A very good morning, dear students. Today we will do the next exercise of chapter number 3. Okay, so today's exercise is write T for true and F for false. So for the true statements, correct statements, we have to use T, and for the wrong statement or false statement, we have to use F. Okay, so first is output devices are used to give commands. Output devices का हम किस लिए यूज करते हैं? कमांड्स देने के लिए. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ये स्टेटमेंट हमारा गलत है. ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं? हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं फॉर गिविंग कमांड्स. कमांड्स को देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो हियर वी विल राइट एफ. सेकेंड, द आउटपुट वी गेट ऑन पेपर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी. जो भी आउटपुट हम कोई पेपर में हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो हियर वी विल राइट टी. थर्ड, अ स्कैनर इज यूज टू टाइप वर्ड्स. स्कैनर हम किस लिए यूज करते हैं? वर्ड्स को टाइप करने के लिए? No, so this statement is false. So here we will write F. Okay, हम scanner का किस लिए use करते हैं? हम scanner का कोई भी हमें images या अपने documents को as it is computer में save करने के लिए हम scanner का use करते हैं. Okay, जो भी आपके पास hard copy में आपके पास photos या documents होंगे, उन्हें computer में अगर हमें save करना है तो हम क्या use करते हैं? Scanners का use करते हैं. Okay, words type करने के लिए हम कीबोर्ड्स का यूज करते हैं. क्लियर. नाउ फोर्थ इज स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर. स्टोरेज डिवाइसेस का हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर? नो, हम डेटा को एंटर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस का यूज नहीं करते हैं. हम डेटा को एंटर करने के लिए कीबोर्ड्स का यूज करते हैं. ओके, और स्टोरेज डिवाइसेस का हम यूज क्यों करते हैं? फॉर स्टोरिंग अवर डेटा. अपने डेटा को स्टोर करने के लिए. ठीक है, डेटा को स्टोर करना होगा हमें तो हम किसके लिए किसका यूज करेंगे? स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करेंगे. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. फिफ्थ, पेन ड्राइव इज कनेक्टेड थ्रू यूएसबी पोर्ट. पेन ड्राइव को हम किससे कनेक्ट करते हैं? यूएसबी पोर्ट के थ्रू. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो हियर वी विल राइट टी. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग. हमें मैच करना है. ओके, सो फर्स्ट वन इज स्कैनर. स्कैनर, द पिक्चर ऑफ स्कैनर इज दिस वन. So we will match scanner, and the spelling of scanner is scanner, scanner, scanner. Second one is speakers. Speakers, the picture of the speakers are this one. Okay, speakers कैसे दिखाई देते हैं? ऐसे. And the spelling of speakers is speakers. Speakers. Okay. Now the third one is joystick. Joystick. This one is our joystick. Okay. And the spelling of joystick is joystick. Joystick. Okay. Fourth is DVD. तो डीवीडी तो हमारे इस डीवीडी में भी लिखा है ना? सो वी विल मैच इट डीवीडी. एंड द लास्ट वन इज हार्ड डिस्क. एंड द स्पेलिंग ऑफ हार्ड डिस्क इज HARD, हार्ड, DISC, डिस्क, हार्ड डिस्क. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, today you have to do these two exercise in your book as well as in your notebook also. आपको ये दो exercise अपनी notebook में भी करनी है. Okay, true false and
मैच द फॉलोइंग. सो मैच द फॉलोइंग आप कैसे करेंगे, आप फर्स्ट स्कैनर लिखेंगे, ठीक है. पहले तो आप क्वेश्चन डाल लेंगे मैच द फॉलोइंग, देन यू हैव टू राइट फर्स्ट स्कैनर, और स्कैनर के फ्रंट में आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है. स्कैनर आपको ड्रॉ करना है, स्कैनर के फ्रंट में ड्रॉ करना है, ओके. आपको ऐसे मैच नहीं करना है कॉपी में, आपको ऐसे फ्रंट में ही स्कैनर बना देना है, स्कैनर के फ्रंट में, ओके. देन स्पीकर्स के फ्रंट में आप स्पीकर बनाएंगे, जॉयस्टिक के फ्रंट में आप जॉयस्टिक बनाएंगे, एंड डीवीडी के फ्रंट में डीवीडी बनाएंगे, और हार्ड डिस्क के फ्रंट में हार्ड डिस्क बनाएंगे. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. फर्दर एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.